अफसर ने कर दिया खेल, जेल से चला रहा था ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क। नेताओं और अफसरों के फोन भी टेप करा रहा था। मामला उज्जैन के भैरवगढ़ सेंट्रल जेल का है और यह सनसनीखेज आरोप लगाने वाला है अमर अनंत अग्रवाल, जो कि धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद है। अमर अनंत अग्रवाल ने आरोप लगाए हैं तत्कालीन जेल सुपरिटेंडेंट संतोष लड़िया पर। अमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वह बता रहा है कि किस तरह से जेल में ऑनलाइन ठगी का रैकेट संचालित किया जा रहा था और डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट ने खुद के नाम की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल भी बनवाया था और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का पैसा वो किन अकाउंट में डाल रहा था। इस सब काम की एवज में लड़िया ने कैदी अनंत अग्रवाल से वादा किया था कि मैं तुम्हें जेल से निकलवा दूंगा, तुम्हारी जमानत करवा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो कैदी ने इस पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की। शिकायत करने के बाद शासन ने SIT बना दी है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। तो और उसके बाद आपने से ये होटल बुकिंग का जो सिलसिला है ये जारी रहा, मतलब कई होटलों के बुकिंग कराए, कभी फ्लाइट के बुकिंग किए, क्या किए, इतने सारे कि जब वो मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट निकलेंगे तभी वो पूरा निकलेगा, मतलब क्योंकि ईमेल आईडी इन्होंने हमेशा इनके डाला। और मेरे से जेल में रहते हुए वेबसाइट बनवाए, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, santoshladhiya.com अभी चेक कर लो आप आपके मोबाइल पे। aradhyaladhiya.com नाम से वेबसाइट बनवाई, मेरे से mycard.com नाम की वेबसाइट बनवाई, ऐसे मैंने टोटल 3 वेबसाइट बनाई अंदर। नहीं, ये HTML पे बनी है छोटी, मतलब हाँ ब्लॉगिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग, मतलब ब्लॉगिंग साइट है। हाँ, और YouTube चैनल बनवाया, उसको प्रमोट करवाया मेरे से, और उसके लिए जो भी पेमेंट लगा सब मेरे खाते से इस्तेमाल किया गया। हाँ, नहीं वो तो वेंडर का था, वो हम बोल देते हैं उसकी डिटेल्स देखिए, दोबारा दिखा देता हूँ आपको, एक एक पढ़ लेता। देखिए, कुछ दिनों पूर्व में कैदी ने और जेल के जो स्टाफ है, जो उज्जैन जेल के और भोपाल जेल के जो स्टाफ है, उन्होंने हमें एक लिखित में एक शिकायत दी थी कि उनकी जेल की जो उज्जैन जेल की कंप्यूटर सिस्टम का दुरुपयोग हुआ है, उससे कुछ 420 टाइप का अपराध किया है करके। तो पुलिस ने उसमें, अभी साइबर पुलिस ने उसमें FIR रजिस्टर किया, जो IT Act की धाराओं के अंतर्गत कि जेल जो सुरक्षित कंप्यूटर से उसका दुरुपयोग करने को लेके। अभी उसकी जांच प्रगति में है, जो जो तथ्य सामने आई हैं उसके आधार पर पुलिस की टीम राजस्थान में, दिल्ली में सब गए हुए हैं। जब जानकारी इकट्ठा होंगे आगे, तभी हम उस पर कुछ बता पाएंगे।